धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी लोकसभा। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी लोकसभा। माननीय सभापति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी और सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। प्लीज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी सर, आपने बहुत सारी बातें कही अपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। साथ ही साथ सर, मैं इस बैकड्रॉप में ये भी बात करना चाहूँगी कि जब कोविड आया और कोविड की मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहूँगी आज के दिन सर, क्योंकि ये महिला मैं मानती हूँ कि राजनीति से ऊपर ये विषय है। और जब हम बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज़्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बढ़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी हों, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थी उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। मैं चाहूँगी कि हम देश में और पार्लियामेंट के माध्यम से इस पर चर्चा करें। आखिरी बात सर, बस एक चीज़ कहूँगी, इंडिया में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर बायस एक रिपोर्ट बताती है होता है, वर्क पेलोड का हो या उनकी भागीदारी का हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपनी राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दों को सक्षम तरीके से रखेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान लोकसभा। थैंक यू चेयरमैन सर।